वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए नमक पारे की रेसिपी लाई हूँ, होममेड नमक पारे। ये बहुत खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। इसकी तरकीब मैं अभी आपको बताऊँगी, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसको मैंने छान लिया, आप भी छान लें। उसके बाद मैंने इसके साथ साथ 1/2 चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा और कलौंजी मिक्स कर ली है। इसके अंदर आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, कभी मैं वो डाल देती हूँ, कभी ये नमक हसबे ज़ायका। वैसे मैंने 1 टीस्पून लिया है। इसके साथ साथ मैंने घी निकाला है, जो कि अभी मैं 6 चम्मच डालूँगी। 5 चम्मच भी डाल सकते हैं, 6 चम्मच शामिल कर रहे हैं। नमक के साथ हम अपनी ज़ीरा और ये भी शामिल करेंगे, कलौंजी। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, इसका आटा थोड़ा सख्त गूंथता है। अगर आप इसका, पहले भी मैंने बताया था इससे समोसे की, जब मैंने आपको बताया था, तो अगर आप इसका बहुत नरम आटा गूंदेंगे तो नमक पारे अच्छे नहीं बनेंगे। 6 चम्मच मैंने इसमें घी शामिल करना है। 3, 4, 5, ये देखिए मैंने 6 ही लिया था और 6 ही शामिल करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको अच्छी तरह गूंदेंगे, लेकिन थोड़ा पानी का कम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम इसको आपस में मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अच्छी तरह जब हम घी को मिक्स करते हैं मैदे के अंदर, तो हमें बिल्कुल कहीं जो है वो पानी डालने से पहले इसको अच्छी तरह मिक्स करें, ताकि मिक्स जब हो जाता है तो बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। यानी घी हर जगह आप इसको मिक्स कर लें अच्छी। ये देखिए हमारा आटा किस कदर टाइट है, और हमने इसको अच्छी तरह गूंद लिया है। अब हम इसको 1 घंटे का रेस्ट, आटा हमारा रेडी हो गया है, 1 घंटे रेस्ट देंगे इसको, और उसके बाद नमक पारे बनाएंगे। हमारी 2 रेडी हो गई है, अब हम इसको रखने जा रहे हैं। आप भी देखिए, सही बेहतरीन तरीके का आटा गूंद चुका है। आप देखिए हमारा आटा सख्त है और इसके नमक पारे अच्छे बनेंगे। 1 घंटे तक या 1/2 घंटे भी आप रख सकते हैं, उसके बाद आप इसके नमक पारे तैयार कर सकते हैं। नमक पारे की डो रेडी हो चुकी है और अब हम इनसे नमक पारे बनाएंगे। अब आप देखिए कि हम नमक पारे किस तरीके से बनाते हैं। मकवारे जो हमने अभी बनाए थे फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के लिए हमने इनको तेज़ आंच पे डाले अंदर। अच्छा, तेज़ आंच पे मकवारे डालने का थोड़ी देर आप छोड़ देंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा स्लो करें और मुसलसल इनको चलाते रहें। आलू छोले बनाएंगे ना इंशाल्लाह। हमारे मकवारे रेडी हो चुके हैं।